वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गोभी और आलू के पराठा बनाने की विधि बताती हूँ। बारीक कटा हुआ गोभी, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, मिर्चा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, उबला हुआ आलू, आटा। उबले हुए आलू को मैं छीलूँगी। छील लिए हैं। अब आटा को मैं नमक के साथ गूंदूंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को अच्छा से गूंदूंगी। आटा को हमने अच्छा तरीका से गूंद लिया। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं तेल ऐड करूंगी। 4 चम्मच तेल डालूंगी। गोभी को मैंने पहले से ही धो लिया था। अच्छा तरीका से मसलूंगी। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, मिर्चा पाउडर। स्वाद अनुसार नमक। इसमें पानी ऐड करेंगे। अब आलू को मैं गोभी के साथ ऐड करूंगी और बढ़िया से इसको फ्राई करूंगी। आलू गोभी फ्राई हो चुका है। अब यह पराठा के लिए रेडी है। अब मैं इसे पलट रही हूँ। गोभी आलू का पराठा रेडी हो गया है। गोभी आलू का पराठा रेडी हो गया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।